हेलो गाइस, आज आपको दिखाएंगे फुल मॉडर्न किचन। ये मॉडर्न किचन फुल मॉडर्न है और इसके अंदर हमने सभी प्रकार की फिटिंग लगा दी है। अभी आपको दिखाएंगे इसके अंदर हमने क्या क्या फिटिंग लगाई है। और ये हमने टू कलर सनमाइका लगा दिया है, टीक और वाइट, दो कलर की हमने सनमाइका लगाई है। और इसके अंदर हमने लिफ्टर और पेंट्री और इनोटेक चैनल और सभी प्रकार का इसके अंदर हमने सामान लगा दिया है। और इसमें आलू प्याज की टोकरियाँ भी लगाई हैं। ये आप सामने देख रहे हो जो बीच का पोर्शन होता है उस पर हमने टिक लगाई है, और ऊपर के पोर्शन पे और नीचे के पोर्शन पे हमने व्हाइट अक्रेलिक सनमाइका लगाई है, हाई ग्लॉस सनमाइका। और ये टिक है, मैट में है। और अभी आपको इसके लिफ्टर दिखा देता हूँ। ये इसके लिफ्टर हैं, ये बलम कंपनी के लिफ्टर हैं। अभी आपको दिखा देते हैं कैसे इसको उठाते हैं। ये एल पल्ला बन जाता है। ये हमने लिफ्टर उठा दिया, ये आप देख सकते हो, ये हमने लिफ्टर उठा दिया है और ये एल बन जाता है। और जैसे इसको आप यहाँ पे रोक सकते हो, इसको आप कहीं पे भी रोक सकते हो। ये हमारे लिफ्टर हैं, किचन के लिफ्टर, बलम कंपनी के लिफ्टर हैं। ये हमने चिमनी के साथ लगा दिया है। और ये 27 इंची की इसकी हाइट है और ऐसे इसकी 2.5 फुट की हाइट है, ऐसे चौड़ाई 2.5 फुट की है। और ये दे दिया हमने चिमनी का पॉइंट, और उसके बाद ऐसे ही हमने लिफ्टर इधर दे दिया है किचन के चिमनी के साथ में। दो लिफ्टर हमने इसके अंदर लगाए हैं। ये हमारा लिफ्टर है, ये हमने सामने की साइड दिया है। और जो इधर इसके सामने है, ये हमने दो प्रोफाइल के पल्ले दे दिए हैं, ब्लैक जेड प्रोफाइल लगा दिया है। और इसके साथ अगर आपका कोई कोना हो, कोने में आपको पल्ला खोलने में दिक्कत हो, जैसे ये आपको बाहर से जोड़ी दिखाई दे रही है, ये जोड़ी नहीं है, ये स्लैड है, ये आप देख सकते हो, ये स्लैड है। ये इसके अंदर हमने स्लैड लगा दिया है, आप इजी इसमें सामान उठा सकते हो। ये आपका कोना आगे तक आपको मिल जाता है, ये हमारा स्लैड है। ये हमारी फुल मॉडर्न किचन है। अभी आपको दिखाने वाले हैं आगे वीडियो में कैसे कैसे हमने इसमें फिटिंग लगाई है और किस प्रकार की हमने इसके अंदर फिटिंग लगा दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। देखें आगे मॉडर्न किचन, फुल मॉडर्न किचन है और इसके अंदर सभी प्रकार के हमने फिटिंग लगा दी है, पेंट्री भी लगाई है। ये पेंट्री का बॉक्स है, ये आप देख सकते हो, ये पेंट्री है, ये पेंट्री का बॉक्स है और 2 फुट की पेंट्री है। इसके ऊपर हमने अक्रेलिक व्हाइट सनमाइका लगा दिया है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें आगे वीडियो, पूरी वीडियो देखें तभी आपको किचन के बारे में समझ आएगा क्या क्या हमने इसके अंदर फिटिंग लगाई है। प्लीज़ लाइक और कमेंट। ये आपको दिखा रहे हैं किचन, ये जो किचन है हमारी जमीन से छत तक की किचन है। और ये टू कलर सनमाइका इसके ऊपर लगा दिया है, वाइट और टीक, वाइट और टीक लगाई है। जो वाइट है वो हाई ग्लोस है और जो टीक है वो मैट में है। और ये आपको दिखाएंगे अभी इसके अंदर हमने कैसे कैसे फिटिंग लगाई है और किस किस तरह के हमने इसके अंदर फिटिंग दे दी है और क्या क्या इसके अंदर हमने लगाया है अभी आपको दिखाएंगे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। ये हमारी जो किचन है, ये फुल मॉडर्न किचन है, हैंडल लेस किचन है। और इसके अंदर हमने प्रोफाइल के डोर ब्लैक जेड के, और इसके अंदर पेंट्री और इनोटेक चैनल और लिफ्टर, इसमें सभी प्रकार की फिटिंग हमने इसके अंदर लगा दी है। और जैसा सनमाइका टीक हमने बाहर लगाया ऐसा ही बक्सों के अंदर लगा दिया। ये आपको दिखा देते हैं, ये हमारी पेंट्री है और ये ग्रे कलर की पेंट्री है और ग्रे कलर की ही अंदर हमने सनमाइका लगाई है। इसके अंदर ग्रे कलर की सनमाइका लगाई है और प्रोफाइल लाइट इसके अंदर हमने फिट कर दिया है। जैसे डोर ओपन करोगे तो प्रोफाइल लाइट जल जाएगी, दोनों साइड हमने प्रोफाइल लाइट लगा दिया है। और ये 2 फुट की पेंट्री है और ऊपरली साइड हमने एक इसका ओपन खाना दे दिया अंदर की साइड। और ये आपको दिखा देते हैं, ब्लैक जेड प्रोफाइल है, ब्लैक जेड प्रोफाइल है और ये हमने 2 डोर बना दिए हैं। ये 27 इंच की इसकी हाइट है और इसके जो चौड़ाई है वो 17-18 इंच की है। और इस पर 5 mm का गिलास लगेगा। और ये आपको दिखा देते हैं, ये हमारी GPT है, GPT
ये जो जीपीटी है हमारी, ये 3 फुट की हमारी जीपीटी है और ये हमने बक्से के अंदर फिट कर दिया है। नीचे की साइड सिंपल ट्रे लगाई है, ऊपरली साइड हमने प्लेटो वाली लगा दी है और ये हमारी स्लाइडिंग है। अगर आप कहीं पे भी कोना बनाते हैं, अगर जोड़ी आप खोल देंगे तो उसमें थोड़ी सामान उठाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम ये स्लाइडिंग लगाते हैं। स्लाइडिंग किचन स्लाइडिंग होता है और इसमें आप इजी सामान उठा सकते हो और आगे तक इसके अंदर कोई स्लेप नहीं लगेगी, बिल्कुल सारा आपको बाहर से नजर आएगा। ये एक साइड का हमने दे दिया है और नीचे की साइड हमने पैलिंग कर दिया है और 1-6 इंच की उसकी स्लेप डाल दिया है। और नीचे के बॉक्स दिखा देते हैं, ये हमारी ट्रॉली हैं, नीचे की साइड हमारी सारी ट्रॉली हैं और ये हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं पल्ले डड्डू कब्जे लगा के, और नीचे लगा दिया है हाई ग्लो सनमाइका, बीच में टीक सनमाइका है और उससे ऊपर हमारी वाइट कलर की सनमाइका है। ये हमारा बोटल रैक है, ये हमने बोटल प्लाव ट्रैक लगा दिया है, मॉडर्न बोटल प्लाव ट्रैक है ये हमने 8 इंच का लगाया है। उसके साथ में हमने दे दिए हैं 2 पल्ले और यहाँ पे हमारा सिंक है, जो हम आपको पल्ले दिखा रहे हैं इसके ऊपर हमारा सिंक है और ये सिंक हमने बक्से के अंदर ही काट दिया है। और ये भी हमारी ट्रॉली है, ट्रॉली मतलब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, एक बिन्ने में, दो बिन्ने में या साल में जब भी आप कटम लगे। ये कॉर्नर है और अंदर हमने हाफ स्लेप डाल दिया है और इसके पल्ला लगा दिया है। ये आपको दिखाएंगे, ये इनोटेक है, 8 इंच की इनोटेक है और 8 इंच की इनोटेक है और ये ग्रे कलर की इनोटेक है। ये नीचे की साइड हमने एक इनोटेक चैनल 8 इंच की लगा दी है और ऐसे ही हमने ऊपर की साइड एक इनोटेक लगा दिया है। बाहर से आपको 2 ड्रॉर दिखेंगी, ये हमने 4 इंच की इनोटेक लगाई है और इसके अंदर एक और हमने इनोटेक चैनल लगा दिया है, ये आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर हमने 2 ड्रॉर बना दिया है, ये हमारी 2 ड्रॉर हैं और इसके अंदर टोटल इनोटेक हमने 3 चला दिए हैं, एक अंडरग्राउंड इनोटेक 2 बार से आपको दिखेगी और चौड़ाई हमने उसकी 3 फुट के करीब दे दी है। ये हमने इनोटेक लगाई है, ये चकला बेलने के लिए हमने इनोटेक दे दी है 4 इंच की और नीचे ये ग्रेन ट्रॉली दे दी है। ग्रेन ट्रॉली का साइज 21x21 का है, बाहर से जो हमारा फट्टा दिखेगा 21x21 का है। और ये हमने साइड में इनोटेक 8 इंच की और लगा दी है और इसकी 2 ड्रॉर बना दिया है, बाहर से हमने फट्टा बड़ा दिखा दिया है। यहाँ पे हमारी नीचे की सपोर्ट थी वो हमने आगे ड्रॉर में कवर कर दिया है और ऐसे ही हमने 8 इंच की ऊपरली साइड लगाई है। और ये जो सनमाइका है ये वाइट कलर की है, आप देख सकते हो, इसकी हमने पलोतीन उतार दी है। ऐसे ही ये सारी हमारी किचन दिखेगी वाइट कलर की। और ये हमारी आलू प्याज की टोकरी है, 8-8 इंच की हमारी ये टोकरी है और चौड़ाई इसकी हमारी जो चौड़ाई होती है वो हमारी 2 फुट की है, 22.5 इंच ही हमारी ये इनोटेक मतलब बास्किट हैं और गहरी तो ये 20 इंच की होती हैं। ये 2 नीचे हमने लगा दिया है और ये हमारा माइक्रो का है और ये ओन का है और ओन से ऊपर हमने ये सोकर लगा दिए हैं, सिंपल सोकर लगा दिए हैं और डड्डू कब्जे इसके ऊपर लगा दिए हैं। ये भी हमारी ट्रॉली है, इसको भी आप बाहर निकाल सकते हो। ये ऊपर की साइड की आपको दिखा देते हैं, ऊपरली साइड के हमने ये स्टोर होता है किचन का स्टोर, अगर आपको सामान स्टोर करना है तो आप ऊपरली साइड रख सकते हो। ये हमने सारा बॉक्स लगा दिया है और जो हमारा चिमनी का पॉइंट भी है बक्से के अंदर से हमने दे दिया है, इसके अंदर से जाएगा और POP के अंदर हमने चिमनी का पाइप छोड़ दिया है, POP के अंदर हमने ऊपरली साइड चिमनी का पाइप छोड़ दिया है। ये सारे हमने ऊपरली साइड सिंपल डोर लगाए हैं और ग्लोसी सनमाइका लगा दिया है और अक्रेलिक टेप लगाई है इसके ऊपर। और ये आपको दिखा देते हैं नीचे की साइड, इससे नीचे जो बीच का हिस्सा होता है जो स्लेब के ऊपर हमारे बक्से होते हैं 27 इंची हाइट के, वो साइड में हमने सिंगल पल्ला दे दिया है। और ये हमारे लिफ्टर हैं, चिमनी के साथ हमने लिफ्टर दे दिए हैं और बलम कंपनी के लिफ्टर हैं, काफ़ी अच्छे लिफ्टर होते हैं, इससे बन जाता है एल पल्ला और ये होते हैं लिफ्टर। ये हमने चिमनी के दोनों साइड दे दिए हैं और 27 इंच की इसकी हाइट होती है, अगर आपको ये घर में बनवाना है तो 27 इंच की इसकी हाइट होगी। टीक कलर की ये सनमाइका है और दोनों साइड अंदर बाहर हमने टीक कलर का सनमाइका लगा दिया है, सेंचुरी का सनमाइका है और ऐसे ही हमने ये एल पल्ला इधरली साइड लगा दिया है, ये आप देख सकते हो। और इसके ऊपर हमने टीक वाली
टेप लगा दिया है, टीक कलर की हमने टेप लगाई है। जैसे हमारा सनमाइका होता है ऐसे ही इसको टक्कर टेप लगा देते हैं। और साइड में हमने बॉक्स दे दिया है और उसके अंदर स्लेब दे दिया है, ऐसे ही हमने दोनों साइड अंदर स्लेब दे दिया है और सभी के हमने पार्टीशन दिखा दिए हैं। ये हमने एक साइड का आपको हिस्सा दिखा दिया है और उधरली साइड का भी हमने आपको दिखाया था भाई, GPT लगाई थी और नीचे की साइड हमने सारी आपको किचन दिखा दी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हैंडल लेस किचन है, इसके ऊपर कोई हैंडल नहीं लगेगा। हैंडल लेस किचन है, मॉडर्न किचन है, फुल मॉडर्न किचन है। इसके ऊपर हमने सभी प्रकार का इसके अंदर फिटिंग लगा दी है, पेंट्री, और पेंट्री के साथ हमने यहाँ पर रख दिया है फ्रिज। यहाँ पर 3.25 फुट की जगह छोड़ दिया, 39 इंच की हमने इसकी जगह छोड़ दी है फ्रिज के लिए। और आपको किचन दोबारा दिखा देते हैं। यू टाइप में किचन है, फुल बड़ी मॉडर्न किचन है और आगे की साइड सिंक लग गया है और जिधर हमने चिमनी का पॉइंट दिया है उधर इसमें चूल्हा लगेगा। इसके